Hi guys, namaskar, welcome back to my channel. Finally guys, I am back. सदियों बाद आई. मुझे पता है guys, आप लोगों के मुझे बहुत सारे DMs मिले हैं कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही. बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट भी किया है, तो वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आंसर करने वाली हूँ. साथ ही साथ आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा है YouTube कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, एंड मैंने Instagram पे भी पोस्ट डाला था कि मैं Q&A वीडियो बनाऊंगी. तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किया है, तो मैं वो सारे आंसर करूंगी, ठीक है. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ऑब्वियसली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो गाइस, एंड इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना. कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा. सो गाइस, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. सो गाइस, मैंने इस डायरी में आप लोगों की क्वेश्चन नोट डाउन किया है, क्योंकि मेरे पास और कोई फ़ोन या कुछ नहीं है, तो मैं एक ही फ़ोन है मेरे पास जिससे मैं शूट कर रही हूँ. तो मैंने इस डायरी में लिख रखा है बेसिकली, तो मैं एक एक करके आंसर करूँगी, ठीक है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है सुजाता अंडरस्कोर ओझा, उन्होंने लिखा है फ्रॉम विच ऐप यू एडिट योर यूट्यूब वीडियोस. सो गाइस, मैं अपना यूट्यूब वीडियो एडिट करती हूँ काइंड मास्टर ऐप से, ठीक है. काइंड मास्टर ऐप प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, पर उसमें से ना वो वाटरमार्क आ जाता है, ऊपर लिखा होता है काइंड मास्टर. आपने अगर मेरी पहली वाली वीडियो देखा है, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो, तो उसमें लिखा होगा, देखना आप, काइंड मास्टर लिखा है साइट में. तो फिर मैंने YouTube में ही सर्च किया था कि Google से अगर मैं डाउनलोड करूँ तो उसमें वाटरमार्क नहीं आता है, तो मैंने Google से डाउनलोड करके उसी में से एडिट कर दिया, ठीक है. क्लासिक दिवानी ने लिखा है डाइट प्लान ड्यूरिंग एचआरटी एंड आफ्टर सर्जरी. सो गाइज, अगर आप कहोगे कि आपको बाइल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और आफ्टर सर्जरी आपको डाइट प्लान कैसे कैसे लेना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी. तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं या नहीं, ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं ज़रूर बनाऊंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा जी 566, उन्होंने लिखा है दीदी आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, एंड प्लीज़ इंस्टा पर तो DM का रिप्लाई कर दिया करो, डेली व्लॉग क्यों नहीं बना रही. इसका गाइस एक ही क्वेश्चन मैं बताऊंगी, मैं क्यों नहीं वीडियो बना रही थी, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही थी. बाकी मैं रिप्लाई इसलिए नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि ना मेरे पास बहुत सारे आप लोगों की क्वेश्चंस आती हैं, जिनको सर्जरी करना है, जिनको कमिंग आउट करना है, जिनको हार्मोन रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत कुछ जानना है. तो मुझे लगता है मैं अगर किसी एक को आंसर करूँ तो मुझे लगता है सबको मुझे आंसर करना चाहिए. किसी एक की क्यों मैं आंसर ऐसे नहीं करना चाहती. अगर मैं आंसर करती तो मैं सबको करना चाहती हूँ. तो अगर सबको आंसर करना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है मेरे लिए, तो दैट्स वाई मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती हूँ पर्सनली. पर अगर आप मुझे सोशल मीडिया के थ्रू Instagram, Q&A या YouTube पोस्ट में कुछ भी लिखते हो, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं आंसर कर दूँ, या मैं Q&A वीडियो बना के उसके आंसर करूँ, जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ. पर मैं पर्सनली किसी को ऐसे सच रिप्लाई इसलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं सिर्फ एक को आंसर नहीं कर सकती, करना हो तो सबको ही आंसर करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति शर्मा का, उन्होंने लिखा है यू आर वर्किंग ऑन विच पोस्ट. सो गाइस, मैं एज अ डाइटिशियन काम कर रही हूँ, ठीक है, इन न्यूट्रिशन एंड वेलनेस क्लिनिक. के बाद क्वेश्चन है देवजीती 40 का, उन्होंने लिखा है प्लान ऑफ लाइफ अहेड एंड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एडमायरर. सो थैंक यू सो मच. एंड प्लान ऑफ लाइफ फिलहाल तो ये है कि मैं एज अ डाइटिशियन काम कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं खुद को और ज़्यादा डेवलप करूँ और अच्छे से काम करूँ, एंड मैं यूट्यूब में भी वीडियो बनाना कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, जो कि मैंने नहीं किया. पर मैं चाहती हूँ मैं यूट्यूब में भी वीडियो बनाना कंटिन्यू रखूँ एंड और अच्छे से अपने आप को डेवलप करूँ, तो ये फिलहाल तो यही प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन है तन विरन द्रोहंस, उन्होंने लिखा है आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू, हाउ मच इट्स कॉस्ट जस्ट टेल मी. सो किसी को ही अगर लिटरली एक है कि उनको मेरी तरह बनना है, तो ऑब्वियसली गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. साथ ही साथ क्लिनिक में भी कोई पेशेंट आके बोले कि उनको मेरी तरह फिगर चाहिए, तो ऑब्वियसली गाइस ये सुनने के बाद ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है. पर गाइस मैं पर्सनली आपको यही कहूँगी, मैं भी इंस्पायर होती हूँ लोगों से, पर एट द एंड आपको किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है. द वे यू आर द बेस्ट. अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करो, अपनी स्किल डेवलप करो, पर्सनैलिटी डेवलप करो, पर एट द एंड
जो आप हो यू आर द बेस्ट, आपको किसी की तरह कॉपी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपंजय _06, उन्होंने लिखा है मैम सेक्स चेंज करवाने के बाद क्या पूरी तरह लड़की लग सकते हैं, आई मीन गर्ल पर्सनैलिटी। आई गेस उसकी एग्जाम्पल गाइस आप लोगों के लिए मैं हूँ। अगर आप लोगों को मुझे देख के लगता है कि मेरे अंदर यू नो गर्ल पर्सनैलिटी है तो ऑब्वियसली हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर गोज 471, उन्होंने लिखा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू पास ट्रांजिशन एट द एज ऑफ 26। सो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने अगर 26 के एज में अगर आपने ट्रांजिशन किया तो आपके अंदर वो प्रॉपर फेमिनिन इफेक्ट नहीं आएगी। सो ऐसा बिल्कुल नहीं गाइस, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 40 के बाद उन्होंने ट्रांजिशन किया है तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छी इफेक्ट आती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपने अगर 26 की एज में ट्रांजिशन किया तो आपके अंदर इफेक्ट नहीं आएगी, तो गाइस बिल्कुल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शादी कब कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपका बॉयफ्रेंड कौन है, आप शादी करोगी नहीं करोगी। तो गाइस ये मैं सोचती हूँ कि अगर ऊपर वाले ने मेरे किस्मत में किसी को लिख रखा है तो एक दिन मैं उससे ज़रूर मिलूँगी। तो फिलहाल मैं इन सब के बारे में सोचना नहीं चाहती, ये मैंने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया है। तो फिलहाल मैं करियर फोकस्ड हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइनी हट का, तो उन्होंने लिखा नेम ऑफ योर ईस्ट्रोजन पिल। सो गाइस मैं प्रोजिनोवा 2mg ही फिलहाल लेती हूँ एंड बहुत सारे इंडोक्रिनोलॉजी ईस्ट्रोफेम भी रेफर करते हैं पर मैं प्रोजिनोवा 2mg ही शुरू से लेती हूँ, तो मैं अभी भी प्रोजिनोवा 2mg ही कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट उन्हीं का क्वेश्चन है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन 3 ईयर्स अपडेट अबाउट योर्स। ऑनेस्टली बताऊँ गाइज बाय गॉड ब्लेसिंग्स अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एंड मैं अपनी सर्जरी से सेटिस्फाइड हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्दिक का, तो उन्होंने लिखा है हाई रूप कथा थी माई क्वेश्चन इज हाउ टू फेस पीपल ड्यूरिंग एचआरटी एंड क्रॉस ड्रेसिंग, यू आर माई आइडियल, थैंक यू सो मच। सो वाइल एचआरटी पीपल को कैसे फेस करोगे जब आप क्रॉस ड्रेसिंग करना स्टार्ट करते हो। सो गाइज ये मैंने भी फेस किया है एंड इट्स वेरी हार्ड यू नो फीमेल ड्रेस पहन के जब आपने पूरी तरह ट्रांजिशन नहीं किया हुआ है तो पहले इट्स वेरी हार्ड। पर गाइस आपको इस चीज़ को ऑब्वियसली वाइल ट्रांजिशन आपको फेस करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड ही बाद में आपके लिए ईजी हो जाएगा। मेरी भी कॉन्फिडेंस लूज़ होती है, मैं भी ओवर थिंक करती हूँ, मैं भी ये सब कुछ मेरे साथ भी होता है। पर सबको गाइस अगर मैं बताऊँ तो सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो आर बॉर्न एज अ मेल फीमेल, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एनजाइटी होना नॉर्मल बात है, डिप्रेशन होना नॉर्मल बात है, ओवर थिंकिंग करना, कॉन्फिडेंस लूज़ करना, ये सब कुछ नॉर्मल बात है, ये एवरीडे किसी ना किसी के साथ होता ही है। तो अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आपको खुद को समझाना है दैट इट्स नॉट कि आप ही के साथ हो रहा है, सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। तो ये आपको खुद को मोटिवेट करना है एंड पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको ट्रांजिशन करना है तो ऑब्वियसली गाइस आपको अपनी गोल के थ्रू आगे बढ़ना है एंड एट द एंड डोंट थिंक अबाउट पीपल, आपको खुद के लिए जीना है, खुद के लिए ट्रांजिशन करना है, दैट इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने लिखा है इस आधार कार्ड नेसेसरी टू स्टार्ट आवर ट्रांजिशन। सो गाइस ऑब्वियसली आधार कार्ड नेसेसरी है, आप किसी भी डॉक्टर को भी दिखाओगे, सर्जन हो, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, तो सबसे पहले वो आपका आधार कार्ड ज़रूर चेक करते हैं। तो आधार कार्ड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी नहीं वैसे आधार कार्ड ही हो, अगर कोई भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ हो, वोटर आइडेंटिटी कार्ड तो ये सब भी चल जाता है, पर मैंने तो आधार कार्ड ही दिया था तो मोस्टली मैंने देखा है कि आधार कार्ड नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम ज्योति, उन्होंने लिखा बहुत क्यूट हो, बहुत पेन हुआ होगा आपको सर्जरी के टाइम, डोंट लूज होप, स्टे स्ट्रॉन्ग, लव फ्रॉम असम। थैंक यू सो मच नीलम ज्योति जी एंड आपको भी बहुत सारा प्यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णा का, उन्होंने लिखा है हाउ डिड यू फेमिनाइज योर वॉइस, प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन इट। सो गाइज मैंने ये पहले भी बोला है कि मैंने कुछ किया नहीं अपनी वॉइस को फेमिनाइन करने के लिए, तो बेसिकली ये हो सकता है क्योंकि मैंने बचपन से हारमोनियम सीखा है, गाना सीखा है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो हमारे कल्चर में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं कि हम बहुत कुछ बचपन में सीखते हैं, जैसे मैंने ड्राइंग सीखा हुआ है, मैंने डांस भी किया हुआ है, गाना भी सीखा है, तबला भी सीखा है, तो शायद गाना सीखने की वजह से वो जो हाई टोन में आपकी वॉइस जाती है
तो वो एक रीज़न होता है शायद, मेरे लिए शायद वो एक रीज़न हो कि लड़के भी गाते ये नहीं कि उनकी वॉइस फेमिनाइन है, तो शायद मेरे केस में हुआ होगा, ये एक रीज़न हो सकते हैं। बाकी पहले से मेरी वॉइस थोड़ी सी यू नो फेमिनिन ही है, तो एज सच मैंने कुछ नहीं किया है। बाकी अगर आपको अपना वॉइस फेमिनिन करना है तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप वॉइस फेमिनाइजेशन सर्जरी कर सकते हो, या आप किसी वॉइस ट्रेनर के थ्रू भी आपको हाई पिच में बोलना वो सिखा देंगे, तो ये भी आप कर सकते हो। सो गाइज, अब मैं वो लास्ट क्वेश्चन करूँगी कि मैंने यूट्यूब वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो गाइज, इसके पीछे ऑनेस्टली बताओ एज सच बहुत बड़ा कोई रीज़न नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मेरा फर्स्ट जॉब है, तो गाइज जॉब को यू नो टाइमिंग मेंटेन करना है, पहला जॉब है, ऑब्वियसली बहुत कुछ मैंने सीखा है, सीख रही हूँ, तो इन सब के थ्रू मेरे को मेरे पास एज सच टाइम नहीं मिला कि मैं इंटरव्यू में भी कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि पहली बात तो मेरे को टाइम मैनेज ही नहीं होता है। ऑनेस्टली बताऊँ गाइज, आई एम स्टेइंग अलोन इन दिल्ली, सो सब कुछ खुद का खाना बनाना, सब कुछ यू नो कपड़े धोना, ये करना वो करना, फिर ऑफिस जाना, फिर वहाँ भी काम करने के बाद एज सच फिर घर आने के बाद एज सच एनर्जी नहीं बचती थी, तो उस दौरान मैंने बहुत दिन तक मान लो गैप रखा है। पर मैं चाहती हूँ गाइज, चाहे मैं जितनी भी थक जाऊँ कुछ भी हूँ, मैं यूट्यूब में भी अपने आप को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। तो आई नो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ कमिटमेंट किया मैं कि वीडियो बनाना कंटिन्यू रखूँगी, पर वो हुआ नहीं एट दैट। पर अब मैं कोशिश मैं इतना कह पर अब मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि अपने आप को मैं यूट्यूब में कंटिन्यू रखूँ। तो गाइज यही रीज़न था, बाकी आप लोगों का प्यार बना रहा है तो ऑब्वियसली मैं यूट्यूब में भी वीडियो बनाना कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, एंड आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आप नेक्स्ट कौन सी टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हो। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो थैंक यू सो मच, जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो, एंड मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। सो गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू सो मच।